रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि जांच में डीएनए टेस्ट महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। तो नाबालिग से दुष्कर्म के दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जेल में बंद आरोपी और नवजात का डीएनए मैच नहीं हुआ था, तो अब गिरफ्तार दूसरे आरोपी का भी टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब डीएनए टेस्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। दुष्कर्म मामले की जांच में डीएनए टेस्ट महत्वपूर्ण कड़ी भी बना, लेकिन अब गिरफ्तार दूसरे आरोपी का भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी का नाम दीपक धीवर है, जो 23 वर्ष का है, और इसमें धारा 376, 376 3 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत तारुण कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आरोपी का डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन आरोपी का डीएनए टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अब दूसरे जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसका भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट जो है महत्वपूर्ण कड़ी बना है। तो ये बड़ी खबर है। जेल में बंद आरोपी और नवजात का डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा आरोपी है, अब उसका भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो ये रायपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था, अब उसका डीएनए टेस्ट हो चुका है, लेकिन वो मैच नहीं हुआ है। अब दूसरे आरोपी का भी टेस्ट किया जाएगा। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है। दुष्कर्म मामले की जांच में डीएनए टेस्ट महत्वपूर्ण कड़ी बना। नाबालिग से दुष्कर्म के दूसरे आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद आरोपी को और नवजात को डीएनए मैच नहीं हुआ है। साथ ही अब जो दूसरा आरोपी है, उसका भी डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो डीएनए टेस्ट की है। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव जी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उसका डीएनए तो मैच नहीं हुआ है, तो क्या दूसरे आरोपी का डीएनए मैच कर सकता है? अगर जांच की जाएगी तो कौन सा समय निर्धारित किया गया है? कनेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में डीएनए टेस्ट एक आरोपी से मैच नहीं हो पाया है नवजात का, लेकिन अब दूसरे आरोपी का भी टेस्ट किया जाएगा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जेल में बंद आरोपी और नवजात का डीएनए मैच नहीं हुआ था।